भदोही जनपद के अंतर्गत तहसील भदोही के क्षेत्रीय ग्राम सभा कुरैया में प्रार्थनीय गण सुनीता देवी वही रामशीला देवी, मंगला देवी, साधना देवी, मीना देवी आदि लोगों के मकान के बीचों बीच बिजली के खंभे पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और मकान के ऊपर से बिजली तार गुजरता है वहीं, और बिजली तार से कई घटनाएं हो रही हैं और हमेशा डर बना हुआ है कि इसकी शिकायत और इसकी शिकायत विद्युत विभाग में भी की है पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर डीएम कार्यालय पर पहुंची पीड़ित महिलाएं डीएम साहब को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि हम लोगों की जान बचाओ, ट्रांसफार्मर मकान के बीच में है, इसको हटवा दिया जाए, नहीं तो किसी की जान जा सकती है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हटवा दिया जाएगा। आए चलते हैं जनपद भदोही में जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय पे, आइए चलते हैं, महिलाएं आई हैं, आइए जानते हैं, लोग से बात करते हैं और क्या समस्याएं लेके आती हैं आई हैं और डीएम साहब से क्या बात हुई है, क्या नहीं, इन समस्याओं को क्या हल कर पाएंगे डीएम साहब। क्या नाम है? तो आप आई हैं जिला अधिकारी महोदय के यहाँ, क्या समस्याएं लेके आई हैं? इसके पहले आपने कहीं प्रार्थना पत्र या दरखास्त डाला है हटाने के लिए? क्या वहाँ से क्या मतलब मिला है? और यहाँ पे आप पहली बार आई हैं? तीसरी बार। तो क्या डीएम साहब बोले? कब तक हट जाएगा बताए? और तो क्या चाहते हो आप? कितना कितना बार हो गया? तीन बार हो गई। कब से वहाँ लगा हुआ है? आपके पहले से ही लगा हुआ है, अब जाके दिक्कत। तो ये लोग आए हैं डीएम साहब के यहाँ, प्रार्थना पत्र भी दिया है और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपका जो खम्भा का पोल है ट्रांसफार्मर में वो हट जाएगा, कब तक हटेगा ये नहीं बताए हैं डीएम साहब, और यही बोले हैं ना डीएम साहब। और जो भी विद्युत विभाग ने ये प्रार्थना पत्र दिए हैं लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्या बोले? यही साहब आपसे क्या मांग रहे थे? तो कुरैया गांव से ये महिलाएं आई हैं और ट्रांसफार्म यहाँ के घर के सामने है और जेई विद्युत विभाग के जो जेई साहब है उन लोग से शिकायत दर्ज कर रही है कि हटा दीजिए, लेकिन जेई साहब बोल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया दो तब जाके मैं आपका खंभा हटाएंगे और ट्रांसफार्मर हटाएंगे। तो ऐसे अधिकारियों को, ऐसे जेई साहब को तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। जो पीड़ित महिलाएं लोग से पैसे का डिमांड कर रहे हैं उनको तो पैसे का डिमांड नहीं करना चाहिए था। मैं उच्च अधिकारियों से यही विनती करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत निष्कासित किया जाए जो भ्रष्ट हो गए हैं।